अरे सुबह के 9 बज गए और ये हवेली वाले अभी तक नहीं उठे। अरे इस वक्त तो रसोई घर में भी इतनी चहल पहल होती है, और छोटी बीबी जी और बड़ी बीबी जी कहाँ हैं सब लोग? बीबी जी, साहेब, बीबी जी, लगता है रात के कार्यक्रम की वजह से ज्यादा थकान हो गई, इसीलिए नहीं उठ पाए। चलो चंपा रानी, तुम्हें उठाना पड़ेगा जाकर, भले ही फिर डांट पड़ जाए। बीबी जी, साहेब, बीबी जी उठिए, 9 बज गए। बीबी जी, बीबी जी, ना कोई खून खराबा और ना ही कोई हाथापाई, सिर्फ गले पर चोट के हरे निशान। सर, इन चारों को भी वैसे ही मारा गया है, रुमाल में पत्थर बांधकर। पहले शालिनी, फिर रूहान, और अब ये चारों। सर, पूरा घर साफ कर दिया, रुपए पैसे गहने सब ले गए, कुछ भी नहीं छोड़ा। मुझे नहीं लगता है किसी एक आदमी का काम हो सकता है। चोरी, लूट और फिर खून। सर, अब इन लोगों का स्टाइल थोड़ा थोड़ा मेरी समझ में आ रहा है। ये लोग छोटे शहरों में अपना शिकार करते हैं ताकि किसी की नजर में ना आए। देखिए, क्या आप बता सकती हैं कि कल रात को आपने इस घर में किसी को आते जाते हुए देखा था, कोई मेहमान या फिर कोई और? साहब, कल 8 बजे तक तो हम इसी घर में काम कर रहे थे। हमने रात के बर्तन साफ किए, आपके बिस्तर लगाए, और फिर हम पांचों घर से बाहर साथ में ही निकले थे साहब। पांचों मतलब? बड़ी मेम साहब, छोटी मेम साहब, बड़े साहब, छोटे साहब और हम। मतलब कल शाम को ये चारों कहीं बाहर गए थे? वो लोग कोई नाटक देखने के लिए गए थे। नाटक? कौन सा नाटक? महाभारत, कला भवन नाटक मंडली का। मैं भी वहीं पे था। तुमने उन चारों को वहाँ पर किसी अनजान आदमी से बात करते हुए देखा था? नाटक खत्म होने के बाद चारों मंडली वालों से मिलने के लिए रुके थे, उनकी तारीफ करने के लिए। और बातों ही बातों में उन्होंने कला मंडल कंपनी को 50,000 रुपए देने का वादा भी किया था। 50,000? इतने सारे पैसे क्यों? कला के पुजारी थे और बहुत पैसे वाले थे वो लोग। जरूर ये काम उन्हीं नाटक मंडली के कलाकारों का है। अगर उन्हें जल्द से जल्द रोका नहीं गया तो न जाने और कितने मासूम लोगों का खून करेंगे ये लोग। लेकिन इन लोगों के खिलाफ कोई सबूत या गवाह नहीं है हमारे पास। तब इन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए एसीपी सर के प्लान बी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम पांडवों और आपकी पुत्रवधु द्रौपदी को 13 वर्ष अज्ञातवास में जाने की आज्ञा दीजिए। मुझे अपने वचन का पालन करने दीजिए। अबे यार, कॉस्ट्यूम में मजा नहीं आ रहा यार। हे, हंसो मत यार, कॉन्सेंट्रेट करने दो, चलो स्टार्ट करो। बस, कौरवों और पांडवों में मित्रता नहीं हो सकती, केवल शत्रुता हो सकती है, शत्रुता। पांडवों को हस्तिनापुर छोड़कर अज्ञातवास जाना ही होगा, और हस्तिनापुर पे केवल दुर्योधन राज करेगा, केवल दुर्योधन। चलो भाई, किसके लेने आ गए? अरे आगे अर्जुन और भीम की एंट्री है, दिनेश तो अचानक गायब हो गया, बचा रोहान, वो एन वक्त पे छोड़ के चला गया। हमें और कलाकार चाहिए। और द्रौपदी? द्रौपदी के बिना तो कैसी महाभारत? और फिर द्रौपदी के बिना महाभारत का तो युद्ध ही नहीं हो सकता ना। अरे यार, मैं मुद्दू साहब से कितनी बार बोल चुका हूँ कि कलाकारों का अरेंजमेंट करें, उन्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है। ये मुद्दू साहब है कहाँ? तुम्हारी बात सुन ली गई है संजीव। मैं अपने साथ ऐसे कलाकारों को लेकर आया हूँ जो कला भवन नाटक मंडली में हमारे साथ परमानेंट काम करने के लिए तैयार है।
कहाँ है वो कलाकार? आओ ऊपर आओ सब लोग, आओ सभी लोग आओ, मिलिए हमारे नए कलाकारों से। ये है भीम, ये अर्जुन और ये द्रौपदी। नमस्ते। आप लोगों के साथ काम करने में बहुत आनंद आएगा। कला भवन में आपका स्वागत है। मैं केतन, और आप? मैं तारिका। हमारा नाम नहीं पूछेंगे क्या? मैं अभी और ये इनसे मिलिए, ये दया, बहुत दयालु हैं। हम सब नाट्य मंडली में काम कर रहे थे साथ में। मुद्दू साहब ने हमें आपके नाटक में रोल देने का वादा किया तो हम लोग मना नहीं कर सके। अच्छा, वो मुद्दू साहब से पैसों की बात हो गई आप लोगों की? हाँ, पैसों की बात हो गई है। आप चिंता मत कीजिए, अब तो बस आप हमारा काम देखिए। कुछ भी नहीं मिला, कुछ पता नहीं चला। सर इस तरफ तो नहीं है, चलो इस तरफ चल के देखते हैं। गहने जल्दी से तैयार करो। इस दुकान के मालिक कौन है? अंदर है साहब। कहिए, मैडम के लिए अच्छा सा हार दिखाऊं? देखते ही खरीद लोगे आप? दिखाएंगे हम, बताएंगे आप। नहीं, इस लड़की को तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। इस लड़की ने जो गहने पहने वो सब जगह नहीं मिलते, आपने कभी देखा है? एक मिनट, आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? कौन हो आप लोग? जवाब मिला, अब सीधे सीधे हमारे सवालों के जवाब दे दो। देखो, अगर तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे तो हम तुम्हारी दुकान बंद करवा देंगे हमेशा के लिए। इस फोटो में जो गहने का डिजाइन है, ये गहना आपकी दुकान पे बेचा गया है ना? नहीं साहब, ये गहने तो मैंने खरीदे ही नहीं, पक्का। कमाल है, फोटो ढंग से देखा भी नहीं और आपको पक्का पता है कि आपने ये गहना नहीं खरीदा। याददाश्त अच्छी है आपकी। सेठ जी, बाद में, देख नहीं रहे हो मैं साहब लोगों के साथ बात कर रहा हूं, चलो। एक बात बताइए, जब आप गहने खरीदते हैं तो आप उसका भाव कैसे लगाते हैं? सबसे पहले वजन किया जाता है ये जानने के लिए कि सोना कितना तोला है, और उसके बाद फिर चेक किया जाता है ये जानने के लिए कि सोना खरा कितना है, और फिर जैसा ग्राहक वैसा दाम। पहले फुटबॉल खेलते थे ना? आपकी याददाश्त काफी अच्छी है, लेकिन हमारी नजर कमजोर नहीं। इस फोटो में जो डिजाइन है ये बाली हूबहू वैसी है। जल्दी कहाँ गायब हो गया?
मर गया। सर इतनी जल्दी हमारी आंखों के सामने इसे कौन मार गया? जिसने भी ये किया है उसने हमारी मुश्किलें और बढ़ा दी। ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर, मैं प्राण लेता हूं। ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर, मैं प्राण लेता हूं। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। अरे ये डायलॉग थोड़े ना, मैं तो दया से बात कर रहा था। अच्छा, ओ। कोई फायदा नहीं है, यहाँ नेटवर्क की इतनी दिक्कत है कि एक मिनट की बात करने के लिए 5 मिनट तक टहलना पड़ता है। अर्जेंट एक फोन करना था। खैर, मेरे लाइन बताओ। अरे लाइन्स वाइज छोड़ो, अपने हिसाब से कर लो, कॉस्ट्यूम्स ट्राई कर लो तुम आराम से। वैसे मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों ने इससे पहले ऐसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नाटकों में काम नहीं किया है। हमने किया है, कई बार ऐसे किरदार निभाए हमने, तभी तो इनका निशाना अचूक अर्जुन जैसी और मेरी ताकत भीम जैसी। क्या है ना, अभी पहली बार आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं ना, एक बार जान पहचान होगी तो फ्लो में आ जाएगा। वैसे आप लोग तो काफी समय से एक दूसरे को जानते होंगे, मतलब जम गई होगी आपस में, है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमें एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है। वो तो मुड्डू साहब है कि सबको जोड़ के रखते हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब आप में से वो चोरी करने वाला और खून करने वाला ठग कौन है, वो तो आपको भी नहीं पता होगा। हमें पता होता तो CID को नहीं बता देते। जिया, द्रौपदी की कॉस्ट्यूम तारिका को हो गई? कॉस्ट्यूम तो बिल्कुल फिट है, लेकिन ये विग आप देख लीजिए, थोड़ा विग में शायद थोड़ा कुछ प्रॉब्लम। इस कॉस्ट्यूम और विग की दुनिया से तो मेरी फोरेंसिक लैब और केमिकल से बेहतर है। क्या बात है, मैं मदद करूं कुछ? नहीं नहीं, इट्स ओके। अरे वाह भाई साहब, आप तो सर्व गुण संपन्न मालूम पड़ते हैं। औरतों के बाल बनाना भी जानते हैं आप है? पहले लेडीज ब्यूटी पार्लर में काम करते थे क्या? जी नहीं, मैं एक कलाकार हूँ। कलाकार? हाँ भाई, सारी तैयारियां हो गई। हाँ जी, चलो चलकर स्टेज दिखाते हैं, साथ में ये ड्रेस और प्रॉपर्टी भी ले लो, जाकर देखते हैं स्टेज कितना बड़ा है छोटा है, बहुत जरूरी है। संजीव चल भाई। हाँ बिल्कुल, वरना कहीं शो के टाइम टेंशन ना हो जाए। उठा लो भाई, प्रॉपर्टी उठा लो। चलो चलो चलो, मैं यही रुकती हूँ। क्यों? वो एक्चुअली मेरे डायलॉग्स ठीक से याद नहीं हुए, तो सोचा थोड़ी प्रैक्टिस कर लूं यहाँ बैठ के। वो शाम को शो है और कुछ गड़बड़ हो गया तो पूरा शो खराब हो जाएगा, है ना? हाँ हाँ, अच्छा कह रही है। आप याद करो, हम लोग चलते हैं। चलो भाई, सब लोग लेके चलते हैं। अरे भाई, सारी कॉस्ट्यूम्स और प्रॉपर्टी ठीक तरह से चेक कर ली है ना? ध्यान से कोई भी चीज छूटने ना पाए, शो में किसी भी किस्म की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? हेलो, जी जी जी, कला भवन नाटक कंपनी बोलिए। अभिजीत, ये देखो विमान, इनका महाभारत के नाटक में क्या लेना देना? मैंने पत्थर रख दिया और इसे ऐसे बंद करके जोर से घुमाया, इसके अंदर की चीज सीधी जाकर के सामने वाले के कंठ पर लगी और ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसकी मौत हो गई। मतलब इस रुमाल में पत्थर बांध के खून किया जाता है। खूनी इन कलाकारों में से कोई है, कोई चक्रव्यूह रचना पड़ेगा खूनी को पकड़ने के लिए। अरे भाई, सारी प्रॉपर्टीज चेक हो गई? हाँ हाँ, चेक तो हो गया, पर ये प्रॉपर्टी देखिए, समझ में नहीं आ रही है कहाँ से आया। देखिए ये रुमाल। हाँ, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे भाई मीर जी, जरा अबे, सतयुग के नाटक में ये कलयुग का रुमाल देने वाले थे कलाकारों को, हद हो गई यार। मुझे क्या पता कि किसने रख दिया। हाँ, हो सकता है किसी कलाकार ने धोखे सुखाने के लिए रखा होगा,
हाँ और क्या, एक काम करते हैं, रुमाल को संभाल के रख लेते हैं, मीर साहब का पसीना पोंछने के काम आएगा। लॉज केबल्स, आरके लॉज केशवर, बापा लॉज वेलापुर, नीलम लॉज सीरकपुर, सीरकपुर, लेकिन लेकिन ये तो नीलम लॉज नहीं है। और ये बाकी दोनों शहरों में भी कला भवन नाटक मंडली वाले तो सरकारी लॉज में रुके थे। ये तो सिर्फ लॉज के बिल्स यहाँ क्या कर रहे हैं? वो सोने के गहने जो तुम तोड़ रहे थे वो दिवाकर जी की बेटी शालिनी के थे, तो बताओ किसने चुराए वो गहने, किसने मारा शालिनी को? साहब साहब, मैं तो बस कारीगर हूँ साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम, बताओ कौन है वो जिसने तुम्हारे सेठ जी का खून किया, और उस लड़की का भी जिसने गले में स्कार्फ पहना था? नहीं साहब, मैं किसी भी खून के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ साहब। और उस आदमी के बारे में क्या जानते हो जिसकी एक आंख पत्थर की है? हमेशा एक पत्थर की आंख वाला आदमी लूट का माल बेचने दुकान पे आया करता था, मगर इस बार वो लड़की आई थी गहने बेचने। साहब तो लड़की ने गहने बेचे या नहीं? हाँ साहब बेचे ना, सेठ जी से पैसे लेकर वो जल्दी में निकल गई, और थोड़ी देर बाद वो पत्थर की आंख वाला आदमी आया। सेठ जी ने जैसे ही उसे बताया कि वो लड़की पैसे लेके गई है, वो आदमी आग बबूला हो गया साहब। धोखा सचिन, एक दूसरे को धोखा दे रहे थे। पहले रुहान ने अपने साथियों को धोखा दिया, और अब उस लड़की ने रुहान को। वो लड़की जब मुंबई आती थी तो कहां रुकती थी, तुम्हें पता है? वो तो नहीं पता। हाँ, लेकिन वो जब भी सेठ जी के दुकान पे आती थी तो ऑटो वाले को 15 रुपए देती थी। छुट्टा तो उसके पास कभी होता ही नहीं था, हमेशा मुझसे ही लेकर देती थी। 15 रुपए ऑटो रिक्शा का भाड़ा 15 रुपए होता था, इसका मतलब है ये लड़की जरूर कहीं वहीं आसपास किसी लॉज में रहती थी इस दुकान से। सचिन पता लगा। क्या मतलब है इस बात का मुझे बताओ, कि तुम लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे तो तुम शो नहीं करोगे? मैं सिर्फ पैसों के लिए काम कर रही हूँ, कोई समाज सेवा नहीं कर रही हूँ। सबको पैसे मिल जाएंगे, तुम्हें भी पैसे मिल जाएंगे। लेकिन मुथू साहब, आप पैसे लाएंगे कहाँ से? उसकी कोशिश में कर रहा हूँ। देखो मुझे इनके बैग में से लॉज के बिल्स मिले। देखो इसका मतलब कोई है जो कला भवन नाटक मंडली का पीछा कर रहा है। जिस जिस शहर में ये मंडली गई उसी शहर में उसी तारीख को ये अनजान लोग लॉजेस में जाके ठहरे थे। लेकिन ये बिल्स यहाँ पे आए कैसे? लॉज में जाके पता करना पड़ेगा कौन है ये लोग और इनका मकसद क्या है। एक मिनट। हेलो हेलो, तो होंगे कहीं का मुझसे बोला, यहाँ पे नेटवर्क नहीं मिलता, खुद फोन पे बात कर रहा हूँ।
देखो देना कौन सा नेटवर्क है इसका। वेलकम सर। सर हमारे यहाँ कम से कम और ज्यादा से ज्यादा रेट का हर तरह का रूम मिलेगा और वो भी फुल फैसिलिटी के साथ। तो बोलिए कैसा कमरा चाहिए आपको? रूम नहीं चाहिए, रूम में जो आया था उसके बारे में जानकारी चाहिए। जानकारी क्यों? सीआईडी जानते हो सर? नहीं सर, मैंने इसको कभी नहीं देखा। सर, सबेलापुर से जो कागज के टुकड़ों के सैंपल हमें भेजे गए थे उस पर भी ऐसी डिजाइन थी। और सर गहनों की लूटपाट के बाद उस लड़की ने बेलापुर से ही बस पकड़ी थी मुंबई आने के लिए। सर इसका मतलब वो लड़की इस लॉज में आई थी। कोई लड़की याद? गोरी दुबली, हाइट लगभग 5.5 फुट, गले में स्कार्फ, आंखों पे बड़ा सा चश्मा और हाथ में काले रंग का सूट। नहीं साहब, पक्का नहीं आई थी। खाना खाया तू? खाना नहीं, क्यों? जेल में क्या मस्त खाना बनाया आज। मोटी रोटी, पतली दाल, तीखी मिर्च। चलो साहब, सब छोड़ो तो सब साहब, साहब माफ कर दो साहब, साहब गलती हो गई साहब, साहब मैं लालच में आ गया था। मुझे उस आदमी ने मुंह बंद रखने के लिए 5,000 रुपये देते साहब, साहब मेरा बस इतना ही कसूर है। वो बहुत बहुत डेंजर आदमी दिखता था साहब। उस आदमी के बारे में क्या क्या जानते हो सब कुछ बताओ। वो आदमी 2 दिन से इस लॉज में रुका हुआ था। अभी भी है? नहीं मैडम, अभी चला गया साहब। और हाँ साहब, वो मैडम काले रंग का सूटकेस लेके उससे मिलने आई थी आज। मिलने आई थी? फिर मिली उससे? नहीं नहीं, वो यहीं पे बैठ के उसका इंतजार कर रही थी कि अचानक उस मैडम का फोन आ गया और वो बात करते हुए निकल गई, अभी तकरीबन 1 घंटा पहले। कमाल है, जिस आदमी से वो डर के भाग रही थी उससे मिलने वो यहाँ क्यों आई? आई थी, मिली नहीं, फिर गई कहाँ? सर कहीं इस डिजाइन में उस जगह का पता तो नहीं है जहां वो गई है? SVR रोड पूरा चौक। SVR रोड पूरा चौक। सर नचकीत जी और जीवराम जी ने जिस नाट्य संग्रहालय के बारे में बताया था वो भी SVR रोड पूरा चौक में है। कि वो संग्रहालय तो कई साल पहले बंद हो चुका है। सर पर वो तो सालों पहले बंद हो चुका है। क्या तो फिर वो लड़की उस बंद संग्रहालय में क्या करने गए थे, जबकि उसे तो मुंबई शहर छोड़ के भाग जाना चाहिए था। बोलो मीर साहब, इस तरह काम बिगड़ जाएगा। हमने काफी अरसों से आपके साथ काम किया है। ये कौन लोग हैं? ये मीर सिरकपुर में अपने नाटक मंडली के अलावा किसी और को भी जानता है क्या? इन लोगों को कहीं देखा है? तुम लोगों को यहां नहीं आना चाहिए था। हमें हमारा हिस्सा चाहिए। हिस्सा मिल जाएगा, पहले ये काम कर दो, उसके बाद चलो जाओ यहां से। लगता है ये वही लोग हैं जो अलग अलग लॉज में नाटक मंडली के नाम से रुकते हैं और जगह जगह जाकर लूटपाट करते हैं। सर मैं कुछ फोटो भेज रहा हूँ। सर लगता है ये वही लोग हैं जो उस नाटक मंडली में जुड़े हुए हैं। दरवाजा तो खोलो। अगर ये जगह काफी दिनों से बंद पड़ी है तो यहाँ पे आत्मा वगैरह। रेडी, क्या डर पा रखा है तुमने आत्मा? बाहर निकले से नहीं डर तुम्हारे लिए बीमारी बन जाएगी। मैं कोशिश करूंगा सर। लेकिन ये पत्थर की आंख वाला आदमी इस लड़की को यहाँ क्यों लेकर आया होगा? शायद यहाँ पे
पैसों का बंटवारा करने आए होंगे। चलो अंदर चल के देखते हैं। सर ऐसा लग रहा है यहाँ अभी भी कुछ जलाया गया है। चल जाओ देखो कौन है, ध्यान से। नाम क्या है तुम्हारा? नीना। नीना। किसने किया ये सब? किसने किया ये सब? पिता की। पिता की। पिता की। श्रेया फ्रेडी, इसको जल्दी से अस्पताल पहुंचा। समझ गए। देखिए सर, कितने सारे फाइल्स और पेपर जला दिए उसने, लेकिन इनमें क्या होगा? कुछ तो है जो पिता की जलाकर खत्म करना चाहता था। नहीं था। सर नाटक मंडली के इतिहास की पत्रिका का रिकॉर्ड है। सर इस रजिस्टर के हिसाब से आखिरी बार 1995 में इसी ग्रुप का कोई सदस्य पत्रिका को लेकर गया था। इसका ये नाम और साइन चल गया है, लेकिन एड्रेस पूरी तरह नहीं चला। चिलकुर नगर 21, चिलकुर नगर 21 क्या हो सकता है? सर कहीं ये किसी जगह का कोई रूम नंबर तो नहीं? रूम नंबर 21, रूम नंबर, एक मिनट। चिलकुर नगर में एक हॉस्टल है ना, डीए हॉस्टल, हो सकता है उस हॉस्टल के रूम नंबर 21 से कोई शख्स आया हो। सकता है सर, क्योंकि डीए हॉस्टल से करीब 10 मिनट की दूरी पर एक पुराना ड्रामा कॉलेज है और वहाँ के स्टूडेंट्स इसी हॉस्टल में रुकते हैं। एक काम करते हैं, डीए हॉस्टल चलते हैं, देखते हैं कि कौन है जो कला भवन के ठगों की तरह लूटमार और खून कर रहा है। ये मीर बाहर जाकर इन लोगों से मिला था, शायद यही है वो ठग लुटेरे। अच्छा तो ये ठग लुटेरे नाटक मंडली के साथ साथ घूम रहे हैं। जहां जहां ये नाटक मंडली जाती है, ये लोग वहीं वहीं पे लॉजेस में जाके ठहर जाते हैं, कहीं रिश्तेदार बन के और कहीं गवाह बन के अपना काम कर रहे हैं। और वो बिल्स कौन जमा कर रहा है उसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं लगा। इस मीर पे ही नजर रखते हैं, सब पता चल जाएगा।
घबरा मत भांजे, जब तक तुम्हारा शकुनी मामा जीवित है ना, तब तक पांडवों की कोई चाल नहीं चलेगी। देखते अरे यार, इस बार मुड्डू साहब से पैसे ले लेने हैं, मैं बता रहा हूँ। बोला तो है, बात तो की है उस दिन, पैसे तो देंगे। अच्छा मुझे ये बता, ये शकुनी मामा का अंगरखा और केस तैयार हो गए क्या? हाँ, हो गए, तैयार हो गए। हाँ हाँ हो गया। और ये लाइट वाले दादा को बोल दिया कि द्रौपदी की एंट्री के लिए मुझे लाल लाइट चाहिए? सुबह ही बोल दिया था। बोल दिया था, हो गया। चल चल, थैंक यू। ये मेरे अहंकार का नहीं, आत्मसम्मान का प्रश्न है। वो कितनी कॉम्प्लिकेटेड लाइंस कैसे बोल लेते हैं, देखो कैसे याद रखते हैं। ये फॉरेंसिक में ठीक है बस। नहीं यार, मैं सिखाऊंगा ना, सिखाऊंगा, कुछ नहीं हो सकता। अरे नहीं, कोशिश करता हूँ ना, हो जाएगा, हो जाएगा। आज आज मैं ये प्राण ठानती हूँ कि मैं ये केस जब तक उस दुष्ट दुशासन के रक्त नहीं रंगे जाएंगे, ये केस मैं हमेशा ऐसे खुले ही रखूंगी। वाह वाह, क्या बात, क्या बात है, क्या एक्टिंग करती है। ये काम कीजिएगा, जब जब केश वाली लाइन बोली ना आपने, तो बालों को थोड़ा सा ऐसे करके झटक दीजिए, बहुत मस्त लगेंगे। वैसे एक बात बोलूंगा, आप पूरी बहुत मस्त दिखती है। दुर्योधन, क्या नाम है तुम्हारा? केतन। केतन, तारिका जी के बाएं कंधे में चोट लगी है, इसलिए वो ऐसे बाल नहीं कर सकती, इसलिए बेहतर होगा कि तुम नीचे जाओ और रिहर्सल करो। नीचे जाओ और रिहर्सल करो, नीचे जाओ। बेचारा केतन बाल बाल बच गया। यार मजाक सोच रहा है यार। अरे मजाक कहा करो यार, ये मीर कहाँ गायब हो गया? यही पे फोन पे बातें कर रहा था, ये गया कहाँ? सॉरी सर, सॉरी, आपको इंतजार करना पड़ा। बताइए क्या काम था? क्या साल 1995-96 में आप इस हॉस्टल में काम कर रही थी? नो सर, मैं तो सिर्फ पिछले 2 सालों से यहाँ काम करती हूँ। कोई और है इस हॉस्टल में जो उस समय से काम कर रहा हो? जी हाँ, पार्थ जी सर, वो 1995 से इस हॉस्टल के फैकल्टी मेंबर है। बुलाऊं मैं? प्लीज। पार्थ जी, CID ऑफिसर्स आए हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? जी, हम एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में पता लगा रहे हैं जो पास वाले ड्रामा कॉलेज में पढ़ता था। क्या नाम है उसका? उसका नाम तो हमें नहीं पता, इनफैक्ट हमें यह भी नहीं पता कि वो लड़का है या लड़की। हमें तो सिर्फ इतना पता है कि 1995-96 में वो यहाँ आपके हॉस्टल में रहता था या रहती थी। 95-96, यस, ड्रामा कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स यहाँ रहते तो थे, इनफैक्ट एक नाट्य महोत्सव में उन्होंने हिस्सा भी लिया था और ट्रॉफी जीत कर लाए थे, मुझे अच्छी तरह याद है। दिन रात रिहर्सल करके उन लोगों ने नाच में दम कर रखा था मेरा। उन विद्यार्थियों का नाम पता कुछ बता सकते हैं आप? I'm sorry, इतने पुराने रिकॉर्ड्स नहीं है हम लोगों के पास। आपने कहा कि उस साल उन्होंने नाट्य महोत्सव में ट्रॉफी जीती थी। Yes। तो फिर कोई फोटो वगैरह तो होगी आपके पास? Yes, एक एल्बम है, फोटो एल्बम। ठीक है, वो फोटो एल्बम हमें चाहिए। Yes। Here it is. Thank you. ओह, तो ये है। हेलो। क्या तुम्हें 50,000 रुपए बतौर कमीशन चाहिए? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, कहां से लाऊं मैं इतने पैसे? मेरे कलाकार मुफ्त में काम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं करना मुझे तुम्हारा शो, नहीं करना चाहो। पता नहीं कहां कहां से आ जाते। नमस्कार जी। नमस्ते, आप ही कला भवन नाटक मंडली के मैनेजर? जी हाँ, मैं ही मैनेजर हूँ, बताइए।
बहुत ही अच्छा अभिनय करते हैं आपके कलाकार। जी शुक्रिया, वो तो है। मैनेजर साहब ये कुछ रुपए लीजिए, हमें आपका एक शो करना है। जी हाँ, हम लोग जरूर शो करेंगे, बस आप डेट और टाइम बता दीजिए, हम जरूर शो करेंगे। देखिए टाइम और डेट हम आपको बहुत जल्द बता देंगे। अच्छा नमस्कार। जी नमस्कार। से झटका देकर लोगों को मारते हो ना तुम लोग, अब हमारा झटका देखना। हम पर भरोसा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप लोग हिम्मत नहीं दिखाते तो हम लोग इन ठगों को कभी भी रंगे हाथों नहीं पकड़ सकते थे। अच्छा तो तुम लोग की चाल थी हमें पकड़ने के लिए? हाँ, तुम्हें पहले ही पता चल चुका था कि तुम लोग 1890 के नाट्य कलाकारों की एक कला का सहारा लेकर ये घिनौना काम करते हो, लोगों को लूटते हो, उनका खून करते हो। तो बताओ कहाँ है तुम्हारे बाकी के साथी और कौन है तुम्हारा बॉस जिसे इतिहास दोहराने का बहुत बड़ा शौक है? हमें नहीं पता, आप किसकी बात कर रहे हैं? मीर और पिता की तुम्हारे साथी है ना? बोल। हाँ, मीर और पिता की दोनों साथ में ही हैं, मगर के साथ विश्वासघात, तुम नहीं बचोगे। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं पिता की। पहले अपने आप को तो छुड़ा के दिखा मेरे साहब। मीर साहब के वर्तमान की चिंता छोड़ और अपने भविष्य की चिंता कर, तो जेल की सलाखों के पीछे कटने वाला है। मीर साहब तुम्हारा नाटक खत्म, अब हमारे नाटक से पर्दा खुलेगा। भयंकर भयानक अपराध हुआ था युधिष्ठिर से, अपनी अर्धांगिनी को शयान कक्ष से चौपाट तक लेकर आया था वो। पश्चाताप का आभास तो हो रहा था, परंतु क्या द्रौपदी उन्हें क्षमा करेगी? मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, जीवन संगिनी हूँ, कोई वस्तु नहीं जिसे आप दांव पे लगा दे। घोर अपराध हुआ है मुझसे पांचाली, विवश हो गया था मैं उस पल, उस क्षण को मैं स्मृति से ओझल करना चाहता हूँ। आपका अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। मेरे पालनहार होकर आप मुझे चौपट की बाजी में हार गए। यदि आप अपने अपराध को स्मृति से ओझल करने का उद्देश्य रखते हैं तो उस दुष्ट दुशासन के साथ मुझे लाभ कर दीजिए। द्रौपदी जिसका स्वयं कोई सम्मान नहीं, वो क्या किसी के प्राण निकाल पाएंगे? तुम्हारे पांचों प्राण नाथ ने तुम्हें अनाथ बना दिया है। यदि मांगना ही है तो मुझसे मांगो, इन कायरों से मांगोगी तो केवल दरिद्रता एवं अपमान ही पाओगी। दुशासन,
इस भ्रम में मत रहना। यदि चौपड़ में हमारी हार हुई है तो हमारा बाहुबल निर्बल हो गया है। तुम्हारी कटु वाणी जिस मुख से निकली है उस मुख का मुखारविंद मैं नष्ट कर दूंगा। विशासन, मैं पांचाली आज ये प्रण लेती हूँ कि जब तक ये दुष्ट दुशासन के रक्त से अपने केश ना रंग दूं, मैं अपने केश हमेशा खुले ही रखूंगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ पांचाली, इस दुशासन की छाती चीर कर इसका लहू निकाल लूंगा मैं। ये सब क्या अनर्थ हो रहा है? इस दुर्भाग्यवश परिस्थिति की उपज मेरे ही कारण हुई है। सत्य वचन भ्राता युधिष्ठिर, सत्य वचन। असली अपराधी आप हो, इसलिए केवल दंड आपको ही प्राप्त होना चाहिए। दंड भूल गया क्या? ना अर्जुन ना, मैं नहीं, हम सब द्रौपदी के अपराधी हैं। हम सब ने मिलकर उसे चौपड़ के दाव पर हारा है। हम आपके आज्ञाकारी हैं, आपकी आज्ञा का पालन करते हैं बड़े भैया। असली अपराधी तो आप ही हैं। ये अपराध की उपज आप ही के दिमाग में आई थी। ये दोनों अर्जुन और भीम मेरे नाटक की वाट लगा देंगे। नितिन, नितिन, इससे पहले कि पब्लिक हमारे ऊपर अंडे और टमाटर फेंके, तुम एक काम करो, द्रौपदी को यहाँ पर ले आओ और युद्ध का ऐलान कर दो। रुक जाओ पांडव, तुम में से असल अपराधी कौन है इसका निर्णय तुम लोग बाद में कर लेना, परंतु अभी मैं द्रौपदी को अपने साथ लेके जा रहा हूं। तत्पश्चात। तत्पश्चात नहीं, निर्णय अभी ही होगा। द्रौपदी, ये अर्जुन तुम्हारा और अपमान नहीं होने देगा। भ्राता भीम, दुशासन को समझा दो। आ गया भ्राता, अबे चल। ये तुम क्या कर रहे हो भीम? इस सारे नाटक के नुकसान की भरपाई मैं तुमसे वसूल करूंगा। हम लोग सीआईडी से हैं और खूनी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया हम लोगों ने, समझे? इसलिए आप लोगों से विनती है कि आप लोग यहीं खड़े रहिए और हमारा नाटक देखिए। आपके इस अपराध का सिर्फ एक ही दंड है, मृत्यु दंड। ये क्या कह रहे हो अनुज, अपने ज्येष्ठ भ्राता पर बाण चलाओगे? ना भ्राता, ना, ना। इस पापी की हत्या करने के लिए आपको अपने बाण नष्ट करने की जरूरत नहीं है। इसे मारने के लिए मेरे पास एक नया शस्त्र है। ये शस्त्र आज से हजारों साल पश्चात कलयुग में उपयोग किया जाएगा, जिसकी शुरुआत साल 1890 में होगी और तत्पश्चात 2013 में संजीव नाम का एक अपराधी मनुष्य वध के लिए इस शस्त्र का उपयोग करेगा। ये क्या बोल रहे हो? मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई खून वून नहीं किया। झूठ मत बोलिए भ्राता श्री, हमारे पास केवल साक्ष्य ही नहीं साक्षी भी हैं, मतलब सबूत ही नहीं गवाह भी हैं। गवाह पेश किए जाए। कौन हो तुम लोग? सीआईडी ऑफिसर अभिजीत दया और फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर तारिका। तुम्हारे गुनाहों का पर्दाफाश हो चुका है संजीव, पिता की और मीर ने तुम्हारे खिलाफ बयान दे दिया। रणभूमि छोड़ के कहां भाग रहे हो चेष्ट भ्राता? सर, कला भवन नाटक मंडली चलाने के लिए पैसे चाहिए थे सर। पूरे साल मेहनत के बाद भी हम लोग इतना पैसा नहीं कमा पाते थे कि मंडली का खर्चा उठा सके सर। जब कला भवन के ठगों का इतिहास पता चला तो मैंने पिता की, रुहान, मीर और नीना के साथ मिलकर सर लूटपाट और खून का सिलसिला शुरू किया सर। मेहनत से कमाई नहीं कर पाए तो गैर कानूनी काम शुरू कर दिया, ईमानदारी की दुकान बंद कर दी और बेईमानी शुरू। संजीव, तुम कलाकार तो सचमुच बहुत अच्छे हो, लेकिन तुमने अपनी कला का उपयोग गलत कामों में किया। युधिष्ठिर तो धर्मराज थे, लेकिन तुमने अधर्म का रास्ता अपनाया, इसलिए तुम तीनों को फांसी होगी, सिर्फ फांसी।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.